बस इतना मज़ा नहीं आया, 400 रुपये ले लिए इसके और कॉफ़ी के, पर ज़्यादा मज़ा नहीं आया, पर नज़ारा अच्छा है बाहर का। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे ना, यहाँ से आपको टैक्सी वाले मिलेंगे, टैक्सी 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 तो अवॉइड करके यैंडेक्स बुक कर लेना, और यैंडेक्स सबसे बेस्ट है यहाँ पे। ठंड बहुत है बाहर, और ये हाथ जो है ना मेरे पूरे सुन हो गए हैं, इतनी ठंड है क्योंकि जम गए हाथ ना एकदम से। हेलो फ्रेंड्स, आपका नया वीडियो में स्वागत है। अब इस वीडियो में क्या हो गया कि मेरा मॉस्को का ख़त्म हो चुका है 4 दिन का, और मैं जा रहा हूँ सेंट पीटर्सबर्ग ट्रेन से, सापसन ट्रेन बोलते हैं, और चेकआउट कर दिया है आज सुबह के अभी 12:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे की मेरी ट्रेन है, 2-3 किलोमीटर है यहाँ से। टैक्सी बुला रहा हूँ मैं जेंडेक्स, और उसमें जा रहा हूँ। अच्छा, टिकट का मैं बता दूँ, टिकट मैंने थोड़ी लेट कराई थी इस करके टिकट बढ़ गई मुझे महंगी बहुत ज़्यादा, 7500 की बढ़ गई मॉस्को से पीटर्सबर्ग। ठीक है जी, अगर आपको ऐसे कुछ करना हो ना तो टिकट आप पहले ही बुक करा लो, मतलब अगर आप टिकट थोड़ा 10 दिन पहले बुक कराओगे तो आपको ये टिकट 3500-4000 की ऐसे टिकट मिल जाएगी। तो कभी भी ऐसे ना मॉस्को से आपको पीटर्सबर्ग जाना हो तो टिकट पहले ही निकाल लो आप। ठीक है जी, ये ट्रेन होती है ना, इसको बोलते हैं बुलेट ट्रेन, मतलब नॉन स्टॉप चलती है, मतलब 250 की स्पीड तक इसकी मैक्सिमम जाती है, 250-300 में, और ये पहुँचाएगी 4 घंटे में मुझे पहुँचाएगी सेंट पीटर्सबर्ग। ये मेरा है, अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ वैसे तो, मेरा ये हॉस्टल है, ऑटोग्राफ, पर ये घंटे बजाते हैं तो बाहर कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, चलो कोई नहीं। और ये है मेरा सामान, टैक्सी आ रही है यार अभी, बुलाइए, थोड़ा लेट कर रही है, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी वाला आ गया था, टैक्सी वाले ना यैंडेक्स वाले यहाँ पे ना बड़े अच्छे हैं, मतलब तुम लोकेशन ठीक डालना बस, एक बार लोकेशन गलत डाल दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। और तुम्हें लोकेशन नोट कैसे हो गए बड़े बड़े यहाँ पे, सर्दी बहुत है ना, पता नहीं कैसे हो गए, अगर लोकेशन गलत डालोगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, बाकी सब ठीक है, बाकी तो जाम यहाँ पे भी लगा हुआ है। और इनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती, ये ध्यान रखना, या कुछ करना है तो गूगल ट्रांसलेट कर लेना। स्टेशन पे जाम लगा हुआ है ट्रैफिक का, और भाई साहब ये है स्टेशन, इनका रश हो रहा है बहुत ज्यादा स्टेशन में, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे वो एरोप्लेन में होता है वैसे हो गया, और ऊपर जा रहे हैं हम, ये है स्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस टिकट, टिकट तो है अपने पास, ट्रेन नंबर है 766, ये कौन से नंबर पे आएगी भाई ये देखना पड़ता है, अब इसके अंदर इंग्लिश में भी है और उसमें भी है। पहले तो प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा ना, प्लेटफॉर्म कौन सा है अपना ये पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद बात बनेगी। 766 नंबर ट्रेन है हमारा, KFC बना है यहाँ पे, यहाँ पे आप ये ले सकते हैं, स्टेशन है ये अंकारा, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का, सापसान बोलते हैं इसको। मेरी 1:30 बजे जाएगी, लिखा हुआ है सब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती ना पढ़ने में।
ये ट्रेन है। चलो जी, हमारा कोच नंबर है 9, मॉस्को टू पीटर्सबर्ग बुलेट ट्रेन। ये चेक करते हैं टिकट ना, ये मैडम जो खड़ी है ना लेफ्ट साइड पे। यहाँ कैफे बना हुआ है, कुछ खाने वाने के लिए ले सकते हो आप। शिवा माशा सही लग रही है ट्रेन तो। लोग खड़े हैं लाइन में, अभी आधा घंटा पड़ा है वैसे चलने में। चलो बैठते हैं, ये दूसरी ट्रेन है, पता नहीं कहाँ जा रही है। ये लाल रंग की है और हमारी जो है वाइट रंग की है। वीडियो बनाने चक्कर में मैं आगे चला गया, मेरा कोच नंबर 9 है और मैं पहुंच गया 7 पे। मेरा 9 नंबर ही है यार। मैडम को चेक करा देता हूँ अपनी टिकट, मोबाइल पे प्रिंट तो नहीं है मेरे पास, मोबाइल से चेक कराना पड़ेगा। छोटे बच्चे भी जा रहे हैं ट्रेन के अंदर आ गए हैं। ऐसे ट्रेन होती है ये, और सामान अपना यहाँ पे ऐसे बड़ा बैग है ना यहाँ रख सकते हैं। थोड़ा मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट आगे जाने दो। और ये नेक्स्ट कोच आ गया, यहाँ पे शायद टॉयलेट होगा। हाँ टॉयलेट भी है और फुल है मुझे लग रहा है ट्रेन। शॉप सापसान शॉप, जैसे एरोप्लेन में नहीं होता सामान खरीद सकते हैं आप। Good afternoon, ladies and gentlemen. Train driver Alexander Loginov is speaking. On behalf of the company, me and my crew, under the direction of head of train Ivanov Fyodor, I'd like to assume both of our high-speed train Sapsan number 766 from Moscow to St. Petersburg. During the trip, the top speed of our high-speed train will be 220 kilometers per hour. Our trip will take 3 hours and 55 minutes. At the time of arrival to St. Petersburg is 17:25. I draw your attention that the priority of our company is to ensure the safety of transport and passenger comfort. Алло, ну все, я переписал Пашку на завтра, 13:00. Завтра с ним привет. Все нормально? Алло, Николай, слушай, ну смотри, я сейчас запись перенес, завтра на... Мера сэндвич хане ка бат та, то мэ сэндвич лене ja raha hu. You have chicken sandwich, yes? Okay, one chicken sandwich. Last chicken sandwich. Last, okay. Oh, for you. Oh, thank you. So, it's for you. Nothing else, eh? No, it's okay. Do you have coffee? Water. Coffee? Coffee, okay. Okay, one coffee. A cappuccino, americano. Espresso. Espresso? Espresso. This is chicken sandwich? It's chicken sandwich. Okay, espresso. One espresso. Something else? Yes, that's it. That's all. Okay. भूख लग रही थी तो मैंने कहा सैंडविच खा लेते हैं। भाई साहब को बोला है, भाई साहब 390, ओके 390 का सामान है, कैश तो 390 का सामान है, कॉफी है। Yes, I pay. Just making a video, then I will pay. Hold for 1 minute, okay? अभी speed कितनी है? 10 km.
सी स्पीड है पता ही नहीं चल रहा। ये चिकन सैंडविच है पर ये टाइम पास है, कोई खास इतना मजा नहीं आया। 400 रुपए ले लिए इसके और कॉफी के, पर ज्यादा मजा नहीं आया। पर नज़ारा अच्छा है बाहर का, नज़ारा बढ़िया है। पहुंच गए भाई साहब सेंट पीटर्सबर्ग। पहुंच गए भाई साहब सेंट पीटर्सबर्ग। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब टैक्सी करनी है और होटल जाना है पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे ना, यहाँ से आपको टैक्सी वाले मिलेंगे, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। जैसे मैं वहाँ निकला था मॉस्को में रोड से बाहर निकलती थी, मैंने येंडेक्स से बुक कराया था तो मुझे 750 में पहुँचा दिया था उसने। तो इसको अवॉइड करके ना, यहाँ जो बंदे खड़े रहते हैं बाहर, इसको अवॉइड करके येंडेक्स बुक कर लेना। और येंडेक्स सबसे बेस्ट है यहाँ पे, जैसे हमारा इंडिया होता है ना। भाई साहब हम बाहर, टैक्सी हमारी सामने आने वाली है। लोग काफी रश हो रहे हैं यहाँ पे स्टेशन के पास, ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा। ये नजारा है यहाँ पे बाहर का। ये रही अपनी टैक्सी जाम लगाया पूरा। ऐसे अपना डालेंगे पासवर्ड 02004B, ओपन ओपन हो गया। आपको मैं रिसेप्शन एरिया दिखाऊंगा, उसके बाद रूम दिखाऊंगा। रूम का तो मेरा बुरा हाल हुआ है। तो करते हैं रिसेप्शन है। यह कॉफ़ी मनपसंद मेरी कॉफ़ी आ गई।
Americano, americano. ये बड़ी अच्छी बात है होटल की कि इसके अंदर जो है कॉफ़ी आपकी फ्री है, जितनी मर्जी कॉफ़ी पियो यहाँ पे आप। चलो मिलते हैं कॉफ़ी के बाद, रूम दिखाते हैं। रूम का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, सारे कपड़े लत्ते सब फैले हुए हैं। सीनरीज बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। ये सब कैथीड्रल है, मतलब चर्च है, इतने बड़े बड़े पुराने टाइम की। अपने रूम में चलते हैं। अब इसमें आपको रूम दिखाएंगे आज। कनाल कनाल से भरा पड़ा है पूरा पीटर्सबर्ग। अपना रूम, छोटा सा रूम है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ना बाथटब भी है, गर्म पानी से आप बाथटब गर्म कर सकते हैं।